हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल के पकोड़े। कैसे बनाते हैं वो आज मैं आपको बता रही हूँ। कच्चा करेला लिया है, इसको हम पहले इसको अच्छे से ऊपर से सारा उतार लेंगे। इसको हम इतना इतना लंबा लंबा काट लेंगे, पीसेस बना लेंगे अच्छे से। और जो ये बीज का है इसको हटा देंगे, जो बीच में, जो बीज के पीछे जो होता है, पर है ये बहुत ताज़ा है, कच्चा है, कच्चा। इसका ये है, इसको हटा दें। पहले भी आप हटा सकते हो, उबालने के बाद भी आप हटा सकते हो। ये देखिए गाइस, सारे मैंने पीसेस बना लिए हैं। इसको वॉश करके मैं रख रही हूँ। गाइस मैं इसको कुकर में एक स्टीम लगाऊंगी, एक सीटी लगानी है। मेरा मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसमें। और एक चुटकी हल्दी डालना है। और हींग डालना, हींग भी डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा ही पानी करके मैंने डाल दिया है, जिससे एक सीटी लगानी है बस। ये मैंने कुकर को चढ़ा दिया। ये देखिए उबल गया है। इसमें मैं ये दो प्याज डाल रही हूँ। इसको ऐसे मिक्स करना है अच्छे से। ये मैंने दो हरी मिर्च डाली है। एक चम्मच धनिया पाउडर है।
हल्दी तो पहले भी डाली थी, फिर भी थोड़ा सा हल्दी डालना बनता है। लाल मिर्च पाउडर है, कसूरी मेथी ये थोड़ा, आधी चम्मच गरम मसाला, चाट मसाला आधा चम्मच, आधी चम्मच से भी कम थोड़ा आप आमचूर भी डाल सकते हो, आधी चम्मच भी डाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। चावल का आटा मेरे पास नहीं है इसलिए आप, मैं बेसन ही डाल रही हूँ, आप भी बेसन डाल सकते हो। इन सबको मिक्स कर लीजिए एक बार अच्छे से। और वैसे भी आज बारिश हो रही है, बनता है। हल्का सा आप पानी आप डाल सकते हो ऐसे छींटा थोड़ा। मैश हो गया ये, थोड़ा सा नमक डालिए कि नमक तो हमने उबालने में भी डाला था, और थोड़ा सा अजवाइन लास्ट में, मैं लास्ट में डालती हूँ। और थोड़ा सा ऑयल, ये फाइनल हो गया है। हमने ढक दिया है बस 2 मिनट के लिए। मैंने इधर कढ़ाई चढ़ाई है, अब मैं इधर ऑयल डाल रही हूँ। जब तक मेरा ऑयल गर्म होगा तब तक मैं इधर मुझे खाना भी। ये देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया है, अच्छा गरम हो गया है।
ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। गाइस मैं सूट खुद करती हूँ, मेरे साथ कोई हेल्प नहीं करता, मैं अकेले करती हूँ सूट। तो अगर थोड़ा गलती हो तो उसके लिए सॉरी। ये देखिए ये मेरा दूसरी बार का बना है। ये देखिए गाइस मेरा ये बन गया पकौड़ा कटहल का, बहुत ही वो लग रहा है। देखिए कितना आप खाइए और सब करिए। आज चटनी नहीं थी इसलिए मैंने सॉस रखा है, क्योंकि बारिश हो रही है, धनिया पत्ता कहीं नहीं मिल रहा है। ओके गाइस शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, नहीं करिएगा तो नहीं चलेगा ऐसे। ओके गाइस बाय बाय, गाइस लव यू। ये देखिए मेरे हस्बैंड बड़े शौक से खा रहे हैं। ये देख कैसा बना, ऐसे करिए बढ़िया से खा रहे हैं। ये देखिए मेरी मम्मी भी खा रही हैं बैठ के।